दोस्तों नमस्कार। आज हम राइजोबीम के बारे में विस्तार से बात करेंगे। राइजोबीम क्या है, इसका प्रयोग क्या है, बीज उपचार कैसे करें, कौन सी फसल में कब और कैसे देना है, बागवानी में कैसे प्रयोग करें और इसकी सावधानियां क्या है। राइजोबीम के नमी धारक पदार्थ एवं जीवाणु का मिश्रण है जो भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने का कार्य करती है। यह 1 ग्राम भाग में लगभग 10 करोड़ से भी अधिक राइजोबियम जीवाणु होते हैं। यह जैव उर्वरक केवल दलहनी फसलों में ही प्रयोग किया जाता है। यह वायुमंडल से तथा जमीन में अलग पड़ी नाइट्रोजन को ग्रहण करके पौधे को देता है, जिसकी वजह से यूरिया की आवश्यकता फसल में कम हो जाती है। इसका प्रयोग क्या है? इसके प्रयोग से 20 से 30 किलो खाद की बचत होती है। इसके प्रयोग से फसल 25% की वृद्धि होती है। राइजोबीम के प्रयोग से पौधे की जड़ों व टहनियों का अच्छा विकास होता है। बीज उपचार कैसे करें? 25 मिली तरल जैव उर्वरक का 2 से 3 लीटर पानी में घोल बनाएं। इस घोल को 50 से 60 किलो बीज के ढेर पर डालकर हाथ से मिलाएं, जिससे बीजों पर समान रूप से लग जाए। उपचार के बाद इसे जल्दी बुआई कर दें। जड़ उपचार 250 मिली तरल जैव उर्वरक का 4 से 5 लीटर पानी में घोल बनाएं और 1 एकड़ में पर्याप्त पौधों की जड़ों को 20 से 30 मिनट घोल में डुबोएं। इसके बाद आप लगा सकते हैं। प्रति एकड़ उपचार हेतु 300 से 400 मिली तरल जैव उर्वरक की आवश्यकता पड़ेगी। 300 से 400 मिली तरल जैव उर्वरक को बालू मिट्टी या कंपोस्ट खाद में मिलाएं। इस मिश्रण को बुआई से 25 घंटे या आखिरी जुताई के पूर्व 1 एकड़ क्षेत्र में समान रूप से बिखेरें। कौन सी फसल में देना है और कब देना है? यह दलहनी फसल में मूंग, उड़द, अरहर, चना, मटर, मसूर, तिलहनी, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, बरसीन व सभी प्रकार की बीन्स में इसका प्रयोग किया जाता है। बागवानी में करने वाले इसको सभी प्रकार के पौधों में साल में 3 या 4 बार पौधे में दे सकते हैं, लेकिन पौधे पर फ्रूट लगने के बाद कम प्रयोग करना चाहिए। सावधानियाँ: जैव उर्वरक या जैव उपचारित बीजों को धूप की बजाय हमेशा छाया में रखना चाहिए। इसे किसी रासायनिक खाद के साथ मिलाकर न डालें। यदि बीजों पर फफूंदनाशी का प्रयोग करना है तो बीजों को पहले फफूंदनाशी से उपचारित करके बाद में राइजोबियम से करें। एक्सपायरी डेट से पहले ही प्रयोग कर लेना चाहिए। नमस्कार।